अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, क्या आपको बताऊँ, क्या करने वाली हूँ मैं आज के व्लॉग में। चलें देखते हैं क्या होता है। तो आज के व्लॉग में मैंने सोचा है कि मैं सबसे पहले अपने बारे में आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों ने मेरी जो रेसिपीज़ वाली सारी जो मेरी रेसिपी वीडियोस हैं उनमें मेरा वॉइस ओवर ही सुना हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी व्लॉगिंग भी की जाए और रेसिपीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। मैंने सोचा कि चलो हम लोग पहले अपने बारे में बताते हैं, फिर आप लोगों को अपनी फैमिली से मिलवाऊँगी, उसके बाद मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी आज की। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम है अमीरा, अमीराज लाइफ मेरे चैनल का नेम है, तो लेकिन मेरा नाम जो रियल में भी वो मेरा नाम अमीरा ही है। पूरा नाम मेरा अमीरा जेब है, जहाँ जेब मेरे हस्बैंड का नाम है। और मैं मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी फैमिली है बहुत प्यारी सी, छोटी सी मेरी अम्मी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बच्चों से मिलवाती हूँ, उसके बाद मिलवाऊँगी अम्मी से। अम्मी इस टाइम थोड़ा सा बिज़ी हैं, न्यूज़ देख रही हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल इमरान खान और नवाज शरीफ और ये सारी चीज़ें बहुत चल रही हैं, तो वो न्यूज़ में थोड़ा सा मसरूफ़ हैं। तो मैंने सोचा तब तक मैं अपना व्लॉग बना लेती हूँ, उसके बाद जो है बच्चों से आपको मिलवाती हूँ। जब मैं रेसिपी बनाऊँगी उस टाइम मैं आपको अपनी अम्मी से मिलवाऊँगी, ठीक है? सबसे पहले मैं अपनी सबसे बड़ी बेटी से आपको मिलवाती हूँ। ये हैं जी हमारी सबसे बड़ी बेटी, और ये अपने बारे में आपको खुद बताएंगी। तो चलो बताओ जल्दी से। अच्छा, और आप सपारा पढ़ती हो? सपारा पढ़ने जाती। और नमाज पढ़ती हैं आप? और नमाज पढ़ती हूँ मम्मा के साथ। बोलो, आप मम्मा के साथ डेली वीडियो बनाया करूँगी? अब मम्मा के साथ मैं डेली वीडियो बनाया करूँगी। और कुछ कहना है आपने? नहीं, अल्लाह हाफिज़ कर दो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और सेकंड नंबर पे ये आते हैं हमारे घर के, सेकंड नंबर पे जो ये है ये सबसे शरारती लड़का हमारे घर का। ये हमारे घर का इकलौता लड़का है, बाकी सारी लड़कियां ही लड़कियां हैं। तो ये आपको अपने बारे में बताएगा। व्हाट इज़ योर नेम? निशा। आप सीधे होके बैठो फिर, सही हो? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ योर नेम? निशा। एंड हाउ ओल्ड आर यू? 2 years old. Very good. और आप स्टडी करते हो? Yes, बोलो। Say yes. Yes. अच्छा, क्या स्टडी करते हो आप, ये तो बताओ पहले। टाइगर। टाइगर। अच्छा, मी को क्या अच्छा लगता है? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन। मी को बस स्पाइडरमैन अच्छा लगता है और कुछ भी नहीं अच्छा लगता। हर चीज जो है ना इसकी स्पाइडरमैन वाली होनी चाहिए, है ना? बोलो, सबको बोलो मुझे स्पाइडरमैन बहुत अच्छा लगता है। मुझे स्पाइडरमैन नहीं, मैंने बिगर लेना कार। बिगर कार लेनी है, ठीक है। स्पाइडरमैन वाली कार नहीं, मैंने स्मॉल लेने है। स्पाइडरमैन, स्मॉल स्पाइडरमैन लेना है, बिग वाला नहीं लेना। नहीं। अच्छा, और आपको क्या अच्छा लगता है? एल्सा। एल्सा। और ये जो लड़की है इसकी हर चीज़ एल्सा वाली होनी चाहिए। इसको डॉल्स, इसका जो इसके ड्रेसेस होते हैं, हर चीज़ को एल्सा वाली चाहिए। शरारती लड़का है, इसको चाहिए स्पाइडरमैन, है ना? आपको स्पाइडरमैन अच्छा लगता है? नहीं, कार मुझे बिगर अच्छा लगता है। बिगर कार अच्छी लगती है। इन दो बच्चों से तो आपको मैंने मिलवा दिया है, और अब हम मिलवाएंगे इस घर के सबसे छोटे पीस से, जो कि बड़ा ही इस टाइम मूड खराब हुआ हुआ है इस छोटे पीस का। ये तो अभी फिलहाल बोल नहीं सकती, इसलिए इसके बारे में मैं आपको खुद बता देती हूँ। ये है जी सबसे छोटी बेटी हमारी, और इसका नाम है आयला। और आयला का क्या काम है सारे दिन? आयला तंग करती है, शोर करती है, रोती है, दूध पीती है और सो जाती है। ये ज़िंदगी में आयला की 4-5 काम है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है आयला की ज़िंदगी में काम। आयलू हाय करो। हाय। आयलू आओ। ये देखो, आपने मेरी सारी शर्ट ख़राब कर दी। अच्छा, मुझे ए बी सी सुनाओ फिर। टाइगर, बॉल, ए इज फॉर एप्पल, बॉल, कैट, डॉग,
dog, 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 and fish, beach, beach, fish. Fish. अच्छा जी, हमें नया नया थोड़ा सा जो है ABC अब हमने पढ़नी सीखी है, तो बस थोड़ी थोड़ी चीजें आ रही हैं। अब आप लोगों से मैंने अपने बच्चों को मिलवा दिया। ये तीन जो मेरे बच्चे हैं बहुत तंग करते हैं सारा दिन। बीच में मैंने वीडियोस जो है बनाना बिल्कुल छोड़ दी थी। तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की अपने चैनल पे, कोई किसी भी किस्म की रेसिपी की या कोई और वीडियो मैंने बिल्कुल भी अपलोड नहीं की। वैसे भी बीच में ना आपको पता है सर्दियाँ जब आ जाती हैं तो वैसे ही बंदा सुस्त हो जाता है कि नहीं बनाना कुछ भी, अच्छा बस ठीक है रहने दो छोड़ दो। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी डेली रूटीन डेली आप लोगों से शेयर किया करूँ, जो भी मेरी लाइफ में और आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है आप लोगों के साथ शेयर की जाए हर चीज़, और साथ साथ आप लोगों को रेसिपी की वीडियोस भी मिलेंगी डेली। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग आए, अगर डेली नहीं भी आएगा तो एक दो दिन बाद तो लाजमी आपके लिए मैं व्लॉग यूट्यूब पे डाला करूँगी। तो उसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो करना ये है कि चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करना। ज़्यादातर लोग वीडियोस को देखते हैं पर लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो आप लोगों ने मेरी वीडियोस को देखना है, मेरी वीडियोस को लाइक करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, और जो है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल को आपने लाजमी जो है वो सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कि आज मैं डिश बनाने वाली हूँ, बल्कि मैं नहीं, आज जो है मेरी अम्मी बनाएंगी डिश। तो आज की हम लोग क्या बनाने वाले हैं डिश वो मैं आपको थोड़ी देर बाद वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आ गए हैं किचन में और आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं भरे हुए टींडे, और जो बनाएंगी भरे हुए टींडे वो हैं हमारी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी अम्मी ने बनाने हैं। वैसे तो अम्मी मुझे कह रही हैं कि तुम बनाओ मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं वैसे भरे हुए टींडे बहुत कम बनाती हूँ, कभी बनाए नहीं इतने ज़्यादा। तो मैं अम्मी से कह रही हूँ आप ही बनाएं, आज की वीडियो जो है वो मैं अम्मी से बनवाऊँगी टींडे आज की वीडियो में, फिर नेक्स्ट जो है ना दोबारा वो मैं बना लूँगी। आप बताऊँगी मैं? नहीं आप बनाएंगी, मैं नहीं बना रही। ठीक है जी, हम अब जा रहे हैं किचन में और जल्दी से हम अपनी फटाफट रेसिपी जो है उसकी वीडियो स्टार्ट कर लें। यहाँ पे मैंने लिए हैं टींडे 1 किलो, ये प्याज लहसुन अदरक टमाटर हरी मिर्च और हरा धनिया है, ये सब चीज़ें हैं। और अब अम्मी मुझे बताएंगी कि इसका इन मसालों का क्या करना है और ये टींडे जो है कैसे इनको ऐसे ही रखना है या काटने हैं, जो भी करना है अब अम्मी मुझे बताएंगी। चलिए अम्मी बताएं क्या करना है इनका। ये इनको पहले साफ करो ना, साफ करके इनको इनके अच्छा इनके छिलके उतार के रखने हैं और इनका छिलके उतारने और फिर इनमें काटी लगाने। ठीक हो गया। और इनका क्या करना है? मसाला अलग से बना के तो वो ना उसमें भरना है। ठीक है, मसाला कैसे बनाना है? ये प्याज लिए हैं मैंने, अदरक प्याज इतने लिए हैं मैंने, और लहसुन अदरक को तो पीसना है ना, इसको अलग कर देती हूँ। ठीक है, और प्याज को क्या करना है? ग्राइंड नहीं करना है इनको, वैसे पीसना है हाथ से। हाँ ठीक है, मुंडी डंडे में पीसना है। अच्छा प्याज कितने सारे पीसने हैं? नहीं आधे प्याज पीसने आधे रखने। ठीक है, ये नहीं कि अब ये दो बड़े वाले जो अलग रख लेती हूँ मसाले के लिए, और ये जो छोटे वाले चार हैं इनको मैं पीस लेती हूँ। लहसुन अदरक भी पीसना, टमाटर हरी मिर्च वैसे ही काट के रखनी है, ये बाद में डलेगा प्याज में जो तड़का जाएंगे ना। चले ठीक है, अब ये मैं सारी चीजें जो है रेडी करके फिर आपको बताती हूँ। सारी चीज़ें हमने इकट्ठी मिक्स कर ली हैं, जिसमें प्याज है लहसुन अदरक हरी मिर्च। हम इसको जो है ग्राइंडर में ग्राइंड बिल्कुल नहीं कर सकते, उसमें पतला हाँ, और उसमें पानी डालना पड़ता है थोड़ा सा पीसने के लिए, तो वो फिर पतला हो जाता है, वो सही जो है टींडे जो हैं उनमें भरा नहीं जाएगा, तो इसलिए हम इसको कूनी डंडे में अच्छे से पीस लेंगे। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, कुछ इस तरह से हमें मसाला चाहिए। बहुत ज़्यादा पिसा हुआ भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा खड़ा मसाला भी नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल ड्राई होना चाहिए जैसे कि ये है। इसमें आपको बिल्कुल भी कहीं भी पानी नहीं नज़र आ रहा। तो इसमें जो मसाले मैंने ऐड किए थे, प्याज आपको मैंने बता दिए थे कि दो हमने प्याज जो हैं जो दो प्याज हमने साइड पर रख दिए थे मसाला बनाने के लिए, और जो छोटे वाले चार प्याज थे उनको हमने वो ऐड किए हैं। और लहसुन अदरक मैंने जितना आपको दिखाया था, लहसुन हाफ मैंने रख लिया, हाफ इसके अंदर ऐड किया। हाफ जो है लहसुन वो हम बाद में काट के उसके अंदर ऐड करेंगे, और जी लहसुन अदरक जो मैंने आपको दिखाया था वो सारा आपने इसके अंदर ऐड करना है।
ठीक हो गया। उसके अलावा हरी मिर्चें मैंने ली हैं दो से तीन अदद मैंने हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड की हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। और मसालों में हमने लिए हैं 2 चाय के चम्मच जीरे के लिए हैं, और 3 चाय के चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, और 1 चाय का चम्मच नमक, 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च थी, और गरम मसाला 1/2 चाय का चम्मच। गरम मसाला जो है वो घर का बनाया हुआ था, इंशाल्लाह उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। सारा मसाला जो है अब रेडी हो चुका है, अब हमने इसको टिंडों के अंदर भरना है। से आपने जो है टिंडे उनको कट लगा लेना है, तकरीबन 4 से 5 कट इस तरह से लगाए हुए हैं, आपने इनको कट लगा लेना है। और इसके अंदर अब हम मसाला भरने लगे हैं, ये वाला भरने से पहले हम इसके अंदर लेमन भी ऐड करेंगे। कितने लेमन ऐड करेंगे? 2 से 3 अदद हम इसके अंदर लेमन इस तरह से ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखें मसाला भर रहे हैं टिंडों के अंदर, इस तरह से आपने मसाला भर लेना है। हाँ, नॉर्मल सा इसमें मसाला भरेंगे, ज़्यादा नहीं। बाकी का जो मसाला अगर बच जाएगा वो फिर हम बाद में डालेंगे हांडी के, जब मसाला दूसरा बनाएंगे उसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, ये फ्राई करने हैं बस, अब ये फ्राई करते हुए डाल देंगे जो भी डाल लें। अच्छा, तो ये हमने टिंडे भर लिए हैं, ठीक है जी। और इतना सा मसाला जो है आपने बचा लेना है, जो हम टिंडे जब इसको फ्राई करेंगे तो फिर इसके अंदर ये मसाला ऐड करेंगे। उसके अलावा जो ये लहसुन देखें आप, इस तरह से आपने बारीक बारीक इसको काट लेना, ये भी हम अभी ऐड करेंगे। प्याज जो थे 2 मैंने इस तरह से काट लिए हैं, और टमाटर 2 अदद थे वो भी काट के रखनी है, और जो हरी मिर्च है इसको हमने साबुत ही ऐड करना है दरमियान में से, अब इसको थोड़ा सा कट लगाना है, ठीक। और अब यहाँ पे टिंडे इनको हम फ्राई करने लगे हैं। इसको फ्राई कितनी देर के लिए करना? जब तक के ये नरम हो जाए, गल जाएंगे। जब तक ये थोड़े गल ना जाए तब तक के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा आपने हिलाना नहीं है चम्मच के साथ, बस इसी तरह से सीधे सीधे रखने, एक साइड फ्राई हो जाएगी, फिर इसको इसकी साइड जो है हम चेंज कर लेंगे। टिंडे इधर फ्राई हो रहे हैं अभी, और आपने इसको ऊपर से कवर करके रखना ताकि अच्छी तरह से गल जाएं। और दूसरा, इसमें आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, हम इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे, और जो मसाला है वो भी हमने ऐसे ही बनाना, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं ऐड करना। दरमियानी सी आँच जो है इस पर हमने 20 से 25 मिनट के लिए इसको हमने इस तरह से हल्का हल्का सा फ्राई करना है। अच्छा जी, तो अब हल्के हाथ से इसको आपने इस तरह से इसकी साइड जो है चेंज कर देनी है, बहुत ही आराम से करनी है ताकि ये टूटे नहीं। इस तरह से तरीके से आपने सारी साइड जो है इसकी चेंज कर देनी है। देखिए इस तरह से लाइट ब्राउन हो गया, गोल्डन ब्राउन करना है आपने, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको ऐसे ढका रहने दिया, उसके बाद इसकी जो साइड्स हैं वो मैंने चेंज कर दी। ये देखें जी, टिंडे जो हैं फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरह और गल भी गए हैं। तो जो मसाला था वो इसमें ऐड करना है आपने, ये जितना बचा हुआ मसाला था हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, बस इसको फिर कवर करके रख देना है। अभी वो डालना है दूसरा, सारी चीज़ें बाकी की डाल देनी है, सारी चीज़ें डाल देनी है। ये लहसुन, ये टेस्ट इसका बहुत मज़े का आता है जो ऐसी चीज़ डाले ना साबुत बाद में। अच्छा, तो ये देखें लहसुन जो था हाफ जो बचा के रखा हुआ था उसको बारीक काट के इस तरह से ऐड कर दिया, और प्याज, हरी हरी मिर्च, और ये टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं। और मसाला तो अब इसमें कोई भी ऐड नहीं होगा ना, जो सारे मसाले थे वो हमने पीसते वक्त डाल दिए थे। अब इसको 10 मिनट और ढक देना है। चलें 10 मिनट के लिए फिर कवर करके रख देंगे। 5 मिनट के बाद तकरीबन आपने इसको चेक कर लेना और ऐसे हल्का सा मिक्स कर लेना है। तरह से आपने इसको बहुत ही आराम से करना है ताकि ये टूटे नहीं बिल्कुल भी। अब इसको 5 मिनट के लिए हम दोबारा रखेंगे, हल्की आंच पे ही इसको रखना है हमने। और जी, ये हमारे टिंडे बिल्कुल 5 मिनट के बाद रेडी हो जाएंगे, और इतने आसान है ये बनाना,
बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये इतने मज़ेदार बनते हैं। इनका टेस्ट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि मतलब आम रूटीन में कुछ लोग टींडे नहीं खाते हैं। मसाला आपने इसका इसी तरह से रखना है, थोड़ा खड़ा खड़ा मसाला रखेंगे क्योंकि यही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इसका मसाला। प्याज और जो टमाटर हैं उनको हमने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, इसी तरह से थोड़ा सा खड़ा मसाला रखना है। और जी तो हमारी जो रेसिपी थी आज की, आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं टींडे। बहुत सारे लोग होते हैं जो टींडे नहीं खाते हैं, इनमें कभी मैं भी शामिल हुआ करती थी कि मैं टींडे बिल्कुल नहीं खाती थी, और अम्मी से जो है स्पेशल ये मैंने सीखी रेसिपी। बहुत सारे लोग बनाते होंगे भरे हुए टींडे, मतलब कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, हर किसी का तरीका थोड़ा अलग होता है। हम जो है इस तरह से बनाते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना रेसिपी शेयर की जाए। बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं इसे। अगर आप वीडियो को आप लोगों ने देखा है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया है और हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट करने आप लोगों ने, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगी, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज़। ऐसे भी कर दूँ, बोले लव यू ऑल। आई लव यू ऑल ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसे उम्मा भी दे दो।